आज परफॉर्मेंस देना है सर, क्योंकि कल असली परफॉर्मेंस का मिलने वाला है आपको। आज की परफॉर्मेंस का जश्न कल मनाया जाएगा। कल मनाया। वीरू भाई, आप सब को बताओ, वीरू भाई, मैच से ऑक्शन से पहले एक दिन पहले अगर खिलाड़ी ने ऐसा बमबाट खेल दिया, मजा आ गया जी यहाँ पे, चाहे उसने एक साल पहले कुछ नहीं किया हो, वो कितना असर पड़ता है? काउंट होता है। काउंट होता है? होता है। तो क्यों वीरू भाई? काउंट इसलिए होता है क्योंकि पुरानी चीजें आप भूल जाते हो बड़ी जल्दी, आपको जो आज हुआ है वही याद रहता है। या तो फिर आपकी टीम जो चेन्नई क्यों अच्छा करती है, क्योंकि वो ये उनको ये फर्क नहीं पड़ता आज और पिछले मैच में किसने रन बनाए, वो ये देखते हैं कि कौन प्लेयर कंसिस्टेंटली रन बनाता आ रहा है अपनी टीम के लिए या उनकी टीम के लिए, और वो उसी के पीछे जाते हैं। क्योंकि एमएस का जो माइंड है वो ये है कि मुझे वो बंदा चाहिए जो एक छोर पकड़ कर खेलता रहे और मेरे पास मारने वाले ही हैं, तो वो अपना प्लान करता है अपनी टीम के लिए। बाकी टीमें हैं वो शायद ये सोचती है कि नहीं उसने अच्छा खेला, जैसे मुंबई की मैं बात करूँ कि उसने आज बैटिंग बहुत तगड़ कर दी, लुइस को ले लो, लुइस को लिया उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको हटा के आज किसी और को ले लो, शायद उन्होंने एक रदरफोर्ड को एक्सचेंज किया है दिल्ली से, तो उनको भी ये लगा कि अब ये 20-22 साल का प्लेयर है तो ये शायद अच्छा करेगा, तो वो चेंज करते रहते हैं ऐसे बहुतों की, मतलब चाहे वो पंजाब हो चाहे वो KKR हो कोई भी टीम हो, तो जो करंट में रन बनाता है ना सबको वो याद रहता है। तो इसलिए ये वाला मैच ज़रूरी है वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों या गेंदबाजों के लिए, कि अगर आज किसी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तो कल शायद उसकी बोली ऊपर जा सकती है। सर वैसे आपको दिखा दें जो खिलाड़ी हैं अभी ऑक्शन में, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, आप बताओ सर इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं? ये देखिए शे होप, शेल्डन कॉटरेल 50 लाख की ये पूरी लिस्ट है आपके नीचे तक, ब्रैंडन किंग तक, और जेसन होल्डर हैं 75 लाख, एंड ऑफकोर्स इवन लूस हैं 1 करोड़, और इवन लूस ने ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा मैच भी खेले। आपको क्या लग रहा है सर इनमें से सबसे ज़्यादा बोली किस पे लगेगी? सर देखो ये तो जो मोनोपोली खेलने 8 लोग बैठेंगे कल उनके ऊपर होता है, क्योंकि यही वो है हेटमायर जिनको लास्ट ईयर आपने एक पारी में इतने पैसे दे के लिया, वहां पे मोनोपोली खेलने वाला बंदा चेंज हो गया तो उसने निकाल दिया। तो ये 8 लोग जो बैठते हैं जो भी निर्णय करते हैं उस दिन उनके ऊपर रहता है। मैंने देखा, नाम बताओ सर कोई जो आपने अभी तक, जैसे वीरू भाई ने कहा जी जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है काउंट होगी, तो उस हिसाब से कॉटरेल आपके लिए चेंजअप्स मारता है बहुत, कॉटरेल हो सकता है क्योंकि कॉटरेल फैशन में आजकल, फैशन में जैसे हर टीम से आप सुनते हैं कि वी नीड अ लेफ्ट आर्मर हु बॉल्स स्विंग्स द बॉल और डिफरेंट एंगल, वो ये भी करता है वो भी करता है, तो ये सीजन आते हैं। मेरे जयदेव उनटकट को आप देख लें, वो खिलाड़ी अच्छे हैं हमारे वहाँ से हैं, लेकिन एक साल तक कोई नहीं पूछता था, अगले साल जब लेफ्ट आर्म सीमर की बात आई तो आई थिंक बहुत सारे पैसे दिए वो मोनोपोली में जो बैठे थे उनको, सबको लगा ये चाहिए, साल भर बाद फिर निकाल दिया, फिर साल भर। तो ये बहुत प्लेयरों के साथ हुआ है, पवन नेगी थे एक, यू नो एक याद आते हैं, दो न्यूजीलैंड वाले कोच अगर बैठ जाए तो न्यूजीलैंड का कोई खिलाड़ी होता है उसको वो ले जाते हैं एंड तक। तो ये मोनोपोली की गेम है, मैं ये मानता हूँ कि उसमें जो बैठा हुआ है ना वो डिसाइड करता है। वीरेंद्र सहवाग ने लास्ट ईयर टीम बनाई, ठीक है इस साल कोई और टीम बना रहा है, तो वहां तो ये प्लेयर क्या, ये तो कोच को भी ऐसे कर दें कि जैसे लिया ये कल टीम ठीक कर दे। अरे किसी की सोच के लिए आप लेके आए उनको, उनकी सोच को सेटल तो होने दीजिए, या वो सोच से प्लेयर लाए, एक दिन में थोड़ी कोई प्लेयर बन जाता है या टीमें बन जाती हैं। और फैक्ट अगर आप देखें इस टीम में, जिक्र किया ही है इन्होंने चेन्नई का मुंबई का, ये दो टीमें क्यों इतने सालों से बाकियों से आगे चल रही हैं, क्योंकि कम से कम अपना जो पर्सनल है या जो उनकी सोच है उस पर वो अड़े रहे, और हर साल ना मुंबई जीती है ना चेन्नई जीती है, लेकिन बाकी टीमों का पक्का है कि हर साल प्लेयर भी चेंज, हर साल कोच भी चेंज, हर साल सोच भी चेंज। सर आपने नाम नहीं बताया अभी तक, मतलब आपने पूरी थ्योरी दे दी सर मेरे को यहाँ पे। सर मैं एक खास बात है, देखो यही तो ज्ञान अपने पास रखो, बांट दिया तो फिर इन्हें कौन बुलाएगा। ये बात भी सही है, ये थिंकिंग बड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग है। एक बात बताओ, वहाँ पे जो टेबल पे बैठे हैं इस ज्ञान के लिए तो बैठे हैं सारे।